भूत और चुड़ैलों की दिवाली। जहां धरती पर सभी लोग खुशी से दिवाली के बम पटाखे और सजावट का सामान खरीद रहे थे, वहीं दूसरी ओर भूतों की दुनिया में भी दिवाली को लेकर रौनक लगी हुई थी। भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। तभी शाका भूत अपने दोस्त के साथ पटाखे फोड़ रहा था और मोहित भी आकर कहता है, अरे क्या कर रही है मेरी पटाखा पार्टी, चलो एक साथ बम फोड़ते हैं। ठीक है चलो, लेकिन पहले मैं जलाऊंगा। ये कहते ही शाका छोटा सा बिजली बम जलाने के लिए मोमबत्ती को ले जाता है तो आंख बंद करके डरते हुए कहता है, राम 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 राम, अरे मरा 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 मैं, जल्दी से फूट जा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मेरे पैरों पर मत फटना। साला, अरे बम फटने से पहले तो इसकी फट रही है बम जलाने में, देख तू कैसे कर रहा है, अरे मरा 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 मरा। इसके बम की तरह ये भी फुस्सी है, चल हट मेरे को जलाने देना। तुम लोग ऐसे मत बोलो, मैं कोई फुस्सी बम नहीं हूँ, अभी जलाता हूँ इस बम को। तभी वो इस बम को जलाने जाता है और बिना जलाए भागकर वहाँ से आ जाता है और कान बंद करके कहता है, अरे बम फटने वाला है, जल्दी से सब अपनी आंखें और कान बंद कर लो, बहुत तेज आवाज आने वाली है। शाका के सभी दोस्त ये देखकर उस पर बहुत हंसते हुए कहते हैं, अबे जा रे, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल फट्टू है, बम जलाया भी नहीं और बिना जलाए यहाँ भाग कर आ गया, जैसे अभी नागासाकी का बम फोड़ेगा। सही बोला था मोहित, ये तो फट्टू है। अरे यार तुम लोग ऐसे मजाक मत उड़ाओ, मैंने सच में बम जलाया था। तू पागल है, पता नहीं कैसे भूत है, भूतों के नाम पर तू कलंक है, तुझसे अच्छा तो इंसानी 5 साल के बच्चे हाथ में बम पटाखे जलाकर हवा में उड़ा देते हैं, और तू जमीन पर रखा एक छोटा सा बम नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल, मैं मोहित की बात से एग्री करता हूँ यार, इसमें सारा मजाक किरकिरा कर दिया, अब बड़े वाला बम फोड़ते हैं। तभी दोनों भूत बड़े बड़े आलू बम और अनार को एक साथ रखते हैं और जलाते हैं, जिसके बाद एक पटाखे वाला धमाका होता है। तभी नील कहता है, ये हुई ना बात, ऐसे बम को जलाकर फोड़ते हैं, ना कि उस पागल शाका की तरह। देख शाका, अरे शाका कहाँ है मोहित, देख तो। अरे ये फुसी शाका कहाँ गया? सारे भूतिया दोस्त उसे मिलकर ढूंढते हैं तो शाका पेड़ से डरा सहमा लिपटा हुआ था और बड़बड़ा रहा था, अरे मुझे बचा लो, अरे कहीं मैं अनार आलू बम की तरह फूट न जाऊं, मोहित मोहित बम मत फोड़। ये देख डरपोक भूत यहाँ पेड़ से लिपटा हुआ पड़ा है, एक पटाखा फोड़ने में इसका ये हाल है, ऐसा कर इसको छोड़कर हम खुद ही बम पटाखे जलाते हैं। ये बोलकर वो दोनों भूत अकेले ही बम पटाखे फोड़ते हैं। जहाँ सभी भूत और चुड़ैल मिलकर दिवाली मना रहे थे, वहाँ राघव भूत अपनी बचपन की सहेली मोना चुड़ैल को दिवाली के लिए कॉल करता है, पर दिवाली के बम पटाखों का शोर बहरी मोना को और बहरा बना देता है। हेलो मोना चुड़ैल, कैसी है तू? क्या फैंसी कूड़ा हूँ मैं? अरे क्या बोल रहा है राघव तू? अरे यार मैं तुझे हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फोन कर रहा हूँ। कौन सी काम भली बोलने के लिए? अरे मैं बोला हैप्पी दिवाली। अरे कौन सी कवाली? अच्छा अच्छा कवाली गाऊं। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम। अरे ओ गम की चुड़ैल बच्ची, तू बहरी हो गई है क्या? क्या शहरी? अरे मैं शहरी क्यों होंगी, मैं तो गांव से आई हूँ ना। अरे शहरी नहीं बहरी, चुड़ैल बहरी, पता है तुझे कि तू गांव से आई है? अरे नाव से ना ही गांव से, कितना बेकार है तू, हैप्पी दिवाली भी नहीं बोल सकता। हे भगवान क्या करूँ मैं ऐसी चुड़ैल का, बैली को इतनी देर से चला रहा हूँ, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, और ये पता नहीं कौन सी काम वाली दिवाली कव्वाली चव्वाली कर रही है, इससे अच्छा फोन ही काट देता हूँ। कॉल काट कर राघव दिवाली की मिठाई खाने में व्यस्त हो जाता है। वहीं दोनों चुड़ैल मंजुलिका और कीर्ति खूब सारा मेकअप करके दिवाली पर नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के सामने आते हैं तो कहते हैं, आहा मुझे तो पता था तू मेरी नकल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, पहन लिया ना तूने बिल्कुल मेरी जैसी ही सेम टू सेम साड़ी। तू इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं तेरी कॉपी करूं, मुझे तो डर है कि जब मैं शॉपिंग कर रही थी तू कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी, चुड़ैल चोटन कॉपी कैट। अरे तुझे यही साड़ी पहननी थी तो मुझसे मांग लेती, दिवाली के अगले दिन तुझे दान करके दे देती, दान पेटी कहेंगी। ये कीर्ति चुड़ैल मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। आई नो कि तू मुझसे जलती है, जब इतनी अमीर चुड़ैल हूँ तो बहुत सारा मेकअप तो करूँगी। सही बोली तू है ही मिट्टी का तेल, जलना तो लाजमी है। कल बोल रही थी ना तेरे पटाखों में दम है तो दिखाना। देखती जा मेरे अनार बम का कमाल। ये बोलकर कीर्ति अनार बम को जलाती है जो 2 मिनट में जलकर बुझ जाता है। अब तो मेरा रॉकेट बम देखना।
मंजुलिका रॉकेट बम जलाती है कि वह सीधा उठकर कीर्ति के बालों में जाता है और फट जाता है। तभी गुस्से से बौखलाकर कीर्ति कहती है, चुड़ैल डायन कहीं की, कल ही मैंने अपने बालों का हेयर ट्रीटमेंट कराया था और आज तूने मेरे बालों में दिवाली मनाकर अच्छा नहीं किया, अब तू मेरा पटाखा देख। ये बोलते ही कीर्ति भी उसके सर पर चक्र बम को चला देती है। चुड़ैल चुड़ैल, अरे मेरे बाल, अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ मुझे, तेरी इतनी हिम्मत अब छोड़ूंगी नहीं तुझे कीर्ति की बच्ची, अब तेरी हैप्पी दिवाली का हैप्पी एंड मैं करूंगी। ये कहते ही गुस्से में मंजुलिका भी उस पर सारे बम जला जला कर फेंकती है, साथ ही कीर्ति भी वही करती है, जिसके बाद दोनों काले कोयले जैसे करंट लगी चुड़ैल लगती है। दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। इसी बीच उन दोनों का बचपन का दोस्त मोहित उन्हें देख कर कहता है, मेरी दोनों दुश्मन घायल अवस्था में हैं और बहुत चार्ज हैं। इनसे अपने घर की दिवाली की लाइट जलाऊंगा, अभी तार लगाता हूँ। ये कहकर मोहित दोनों चुड़ैलों को एक एक तार लगाता है, जिससे उसके घर की लाइटें जगमगाती हैं। हैप्पी दिवाली चुड़ैलो, ये लो मेरी तरफ से तुम दोनों को दिवाली की मिठाइयाँ। ये कहकर वो दोनों चुड़ैलों के मुँह में मिठाई ठुसा कर चला जाता है। भूत और चुड़ैल बहुत तादाद में बम पटाखे फोड़ते हैं, जिससे उनकी दुनिया में भी जहरीले धुएं का प्रदूषण फैल जाता है और उनका मालिक राका आकर कहता है, अरे तुम सब पागल हो क्या, अभी के अभी अपने सारे पटाखे यहाँ रख दो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये गुस्ताखी करने की, क्या तुम दिए जलाकर दिवाली नहीं बना सकते थे जो तुमने पटाखे जलाए, जानते भी हो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कितना भगतना पड़ रहा है, उसे सांस नहीं आ रही है क्योंकि इंसानों की तरह तुमने भी दिवाली के पटाखों से यहाँ जहरीला धुआं कर दिया है। मेरी बेटी की जगह अगर तुम्हारे घर की चुड़ैल बेटी, भाई बहन या कोई और होता तो तुम्हारा क्या होगा। जरूरी नहीं है कि दिवाली को हमेशा बम पटाखों से ही मनाया जाए, दिवाली एक खुशी का त्योहार है जहाँ एक दूसरे के गले लगकर मिठाई बांटकर दिया जलाकर दिवाली मनाई जाती है। कुछ नहीं तो पृथ्वीवासियों को ही देख लो, वो कितनी मुश्किल में जी रहे हैं। आका मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने भी आज पटाखों को बहुत ज्यादा जलाया, अब से मैं कभी पटाखे नहीं जलाऊंगी। आका मुझे माफ कर दीजिए, हमने इंसानों से सबक लिया ही नहीं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। आका हमें माफ कर दीजिए, मैं तो वैसे भी बम पटाखे नहीं चला पाता और सच में पटाखों से बहुत प्रदूषण हो गया है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब से इस भूतिया लोक में दिवाली सिर्फ और सिर्फ दिए और लाइट से ही मनाई जाएगी, ताकि हम इंसानों की तरह सिलेंडर या मास्क लगाकर अपनी दुनिया में घूमना ना पड़े। ये कहते ही सभी अपने बम पटाखों को अपनी शक्तियों से गायब कर देते हैं और सभी मिठाई बांटकर दिवाली मनाते हुए कहते हैं, दोस्तों आप सभी को हमारी भूतिया लोक की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो। और हाँ, जो हमने गलती की है इस गलती को आप मत दोहराना, और इस दिवाली पर अपने आसपास के जगहों को बम पटाखे ना जलाकर प्रदूषण रहित रखना। तो इस दिवाली नो बम पटाखे तो नो पॉल्यूशन। घूंघट वाली चुड़ैल। घूंघट वाली एक चुड़ैल ने गला पकड़ा हुआ है, दूसरे घूंघट वाली ने बाल पकड़े हुए हैं और तीसरी डंडे से मार रही है। बोल, खत्म कर दूं तुझे। तू पहले से ही माचिस की तिल्ली है, और क्या खत्म करूं? अरे भगवान के लिए छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, वैसे तुम्हारे बालों में दर्द तो नहीं हो रहा है ना, बहुत सॉफ्ट सिल्की बाल है। वो क्या है ना, मैं अपने बालों में गोबर भी लगाता हूँ, इसलिए मेरे बाल बहुत सॉफ्ट है। हाय हाय चीची, ये कैसे बाल को मैंने पकड़ लिया, गांव के लोग बिना गोबर और गोमूत्र को छोड़ते नहीं है। एक आवाज नहीं निकल रही, क्या बात है, इतने डंडे मारे हैं फिर भी? मुझे तुम्हारे डंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। तू हमें मारेगा? तू, तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू घूंघट वाली चुड़ैलों को हाथ भी लगा दे? हाँ, मुझ में नहीं है दम, तुझ में है, तू अपना घूंघट हटा दे। जबान तो बहुत चल रही है तेरी, पहले तुझे ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। बता झुमकी और मीठी, कर दूं ना मैं इसको गायब? मैं तो कहती हूँ इन तीनों को एक साथ ही गायब कर देते हैं। सही है। ये कहते ही तीनों चुड़ैल उन तीनों आदमियों को एक गुफा में जाकर अंधेरे में बंद कर देती हैं। आखिर घूंघट वाली चुड़ैल कौन थी और उन्होंने इन तीनों आदमियों के साथ ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। प्रीतमपुर गांव में रात में अचानक से भयंकर तूफान और तेज बरसात होने लगती है। उसी बीच तीन औरतें हाथों में पोटली लिए आकर कहती हैं, अरे कोई भला मानस हो तो हमारी मदद कर दो, हम यहाँ बरसात में भीग रही हैं। हाँ हाँ भाई साहब, बहन जी
कोई तो हमारी मदद कर दो, बहुत भयंकर तूफान आ रहा है। तुम लोग रुको, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ। तभी मीठे एक पास की झोपड़ी में दस्तक देकर मदद मांगती है। बहन जी, हमारी मदद करो, हम दूसरे गांव से आए हैं, हमारा यहाँ कोई नहीं है, हमें रहने के लिए जगह दे दीजिए, बस आज रात की बात है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अच्छा ठीक है, आ जाओ अंदर। सुनिए, मेरी दो बहनें और बाहर खड़ी हैं, मैं उन्हें भी ले आऊं? हाँ हाँ बिल्कुल ले आओ। तभी लता उन तीनों को आसरा दे देती है। बाहर तूफान की और गर्जना बढ़ती है और लता उन्हें खाना देते हुए कहती है, अगर आप तीनों को और खाना चाहिए हो तो बता देना। अरे नहीं नहीं, आपने इतनी मदद कर दी, हमारे लिए तो वही बहुत है, वरना आजकल के समय में कोई भी किसी को अपने घर में कहाँ रखता है। ए, कहता आप सही नहीं है, लेकिन मदद करना भी तो जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा करना, आप तीनों यहीं सो जाना, और बड़ा घर तो है नहीं। जी कोई बात नहीं, हम तीनों बहनों के लिए बहुत है। ये कहकर तीनों बहनें सो जाती हैं। घड़ी में रात के 3 बजते ही वो तीनों घूंघट में बाहर निकल। तो मुझे लगता है अब हमें अपने शिकार की ओर जाना चाहिए। तुम सही कहती हो चुड़ैल जिंकी, अब हम तीनों को अलग अलग होना होगा ताकि हम अपना दहशत लोगों में फैला सके और वापस यहीं मिलना। ठीक है तो यहीं मिलना। ये बोलते ही तीनों घूंघट वाली चुड़ैल अपने शिकार करने चली जाती हैं। जहाँ झुमकी सोते हुए कपिल की गर्दन पकड़कर उसे सुनसान पेड़ के पास लाकर कहती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मन तो कर रहा है अपने लंबे नाखूनों को तेरे पेट के आर पार करके तेरा खून पी जाऊं, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ मेरा दहशत होना जरूरी है। बचाओ बचाओ, कौन हो तुम और मुझे ऐसे लाने का क्या मतलब है? मतलब तो तू समझ ही गया होगा। फिलहाल मैं तुझे अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, तू मुझे घूंघट वाली चुड़ैल कह सकता है, और मैं अकेली ना हूँ, हमारे साथ हमारी दो घूंघट वाली चुड़ैल बहने और हैं। क्या दो चुड़ैल और हैं? पर तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? ताकि हम यहाँ पर कब्जा कर सके इस गाँव में। तभी घूंघट वाली चुड़ैल मीठी रोहन के बाल पकड़कर घसीटते हुए जोर से झुमकी चुड़ैल के सामने पटक देती है। तुझे मारने का जी नहीं कर रहा, पता है तुझे कितनी मुश्किल से मैं यहाँ घसीटते हुए लाई हूँ, तेरे सिल्की बाल मेरे हाथों से फिसल जो रहे थे, ऐसा कौन सा शैम्पू लगाता है तू? वो क्या है ना, मैं बालों को सिल्की बनाने के लिए गाय का गोबर को शैम्पू के साथ मिक्स करके लगाता हूँ। अच्छा है ना, तुम भी अगर इस शैम्पू को यूज करोगी तो अच्छा हो जाएगा। वैसे तुम अपना घूंघट क्यों नहीं हटा रही हो, अपनी शक्ल तो दिखाओ। जी जी जी, तू कितना गंदा है रे, ये क्या क्या अपने बालों में लगाता है, मुझे तो अपने हाथ धोने पड़ेंगे। और रही बात मेरे घूंघट हटाने की, तो बोल जा, तुझे तो मैं घूंघट वाली चुड़ैल के नाम से ही याद रहूंगी। अच्छा तो तुम तीनों यही हो, मैं भी अपना शिकार ले आई हूँ, बड़ा चिकना है पर माचिस की तिल्ली है, एक फूंक मारते ही तिल्ली हवा में उड़ जाएगी। भगवान के लिए हमें छोड़ दो, तुमने हम सबको यहाँ क्यों कैद कर रखा है, और ये घूंघट का क्या राज है? उससे तुम्हें बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। ये कहते ही तीनों चुड़ैलें उन्हें मारने लगती, फिर एक अंधेरी गुफा में कैद कर देती हैं, और ये सिलसिला अभी थमता नहीं है। घूंघट वाली चुड़ैलें अब खुलेआम लोगों के सामने जाकर उन्हें परेशान किया करती थी और मारने की धमकियां देती थी। ये मानो कि उन तीनों घूंघट वाली चुड़ैलों की दहशत पूरे गाँव में फैल गई थी। अरे तुमने क्यों हमारे गांव में आफत मचा रखी है, आखिर तुम कौन हो घूंघट वाली चुड़ैलें, और वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन। हमें तुम्हारी बातों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बेहतर होगा तुम हमारी बात मानो। अब ये बताओ दिग्विजय ठाकुर कहाँ है? हम तुम्हें नहीं बताएंगे, जो करना चाहती हो कर लो। हाँ कर लो। ठीक है, मैंने 3 आदमियों को कुछ दिन पहले कैद किया था, रोहन हितेश कपिल को, अगर वह किसी का पति नहीं है तो बता दो, मैं उन्हें अभी खत्म कर देती हूँ। कपिल तो मेरे पति हैं, और वो इतने दिन से घर भी नहीं आए, इसका मतलब तुमने उन्हें कैद कर लिया है। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ छोड़ दो उन्हें। और रोहन मेरे पति हैं, और हितेश मेरा भाई, छोड़ दो उन्हें। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। बताओ वो दिग्विजय ठाकुर कहाँ है, उसे तो मरना ही होगा। वो इसी चौराहे पर जो सबसे बड़ा घर है, वो उसी में रहता है। बहुत खूब, जब पता था तो पहले क्यों नहीं बताया?
ये बोलते ही इमली उसे अपनी शक्तियों से धक्का मार देती है और तीनों चुड़ैल उड़कर दिग्विजय के घर पहुंच जाती है। वहीं गांव की वो बूढ़ी औरत कहती है, घूंघट वाली चुड़ैल बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी से गुरुजी के पास जाकर इन्हें मारने का कोई तोड़ लाना ही होगा, वरना ये पूरे गांव को शमशान बना देंगी। आप सही कहती हैं। तभी गांव की औरतें गुफा वाले गुरुजी के पास जाकर उन तीनों घूंघट वाली चुड़ैलों के बारे में बता देती हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, चुड़ैलों को मारने का एक ही उपाय है, अगर तीन आग लगे हुए मटके से उन तीनों को मारा जाए तो वो हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चली जाएंगी और ये भस्म उनका ध्यान भटकाने में काम करेगी। शुक्रिया गुरुजी। उधर इतनी देर में घूंघट वाली चुड़ैल दिग्विजय को मार डालती है। गांव वाले जब तक उसे बचाने जाते हैं तब तक वो मर चुका होता है। उन्हें बांधने के लिए माया उन पर भस्म छिड़कती है जिससे तीनों बेहोश हो जाती है और फिर गांव वाले उन तीनों घूंघट वाली चुड़ैलों को पीपल के पेड़ से बांध देते हैं। लेकिन तभी उन्हें होश आ जाता है और वो बौखलाने लगती हैं। आहा, तुम गांव वालों ने हमें इस तरह बांध कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। मार डालूंगी तुम सबको, खोल दो अभी भी वक्त है, हमें जो करना था हम कर चुके हैं। क्यों मारा तुमने उस दिग्विजय ठाकुर को? क्योंकि उसने हमारे साथ गलत किया था। हम तीनों बहनें उसके जश्न में नाच रही थी, उसकी नीयत बदली, उसने हम तीनों बहनों का जलती लकड़ी से चेहरा जला दिया, इसलिए हम घूंघट रखते हैं। तुमने उससे अपना बदला लेकर अच्छा किया, लेकिन अब हम तुम्हें यहाँ और नहीं रहने देंगे। माया, शालू, मयंक, डाल दो उसके ऊपर वह आग वाली मटकी। मारने से पहले अपने पतियों की जगह तो पूछ लो, वो इस गाँव की सबसे अंधेरी गुफा में कैद है। ये सुनते ही वो तीनों आग का मटका लिए उन तीनों चुड़ैलों पर फोड़ देते हैं, जिससे वो चुड़ैल मरकर हमेशा के लिए चली जाती है। गाय चुड़ैल और भूत की शादी। वो अमावस्या की अंधेरी रात थी, चारों तरफ चंद्रमा की रोशनी थी, बादलों ने चंद्रमा को अपने आगोश में ले लिया था, चारों तरफ सफेद कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगली भेड़िए रात के समय जोर जोर से चीख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गली के कुत्ते जोर जोर से भौंकते और फिर चुपचाप अपना कोना पकड़कर सो जाते। इतनी रात में रोहित नाम का एक लड़का अपने घर में सो रहा था, तभी उसे एक भयानक सपना आया। उसने सपने में खुद को एक गौशाला में मरा हुआ पाया। तभी रोहित की अचानक से नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, हे भगवान, ये कैसा सपना था? इतना भयानक सपना तो मैंने कभी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टहलाता हूँ। रोहित टहलने के लिए बाहर निकल जाता है और घूमते घूमते गौशाला के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है, अरे ये तो वही गौशाला है जिसके अंदर में मरा हुआ था। तभी उसे चारों तरफ से गाय के रोने की आवाज आती है। अरे ये गाय कहाँ रो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो चारों तरफ कोई है भी नहीं। तभी अचानक से रोहित को पीछे से एक बहुत तेज धक्का लगता है, जिसके बाद वो गौशाला के अंदर जाकर गिर जाता है। जैसे ही वो उठकर देखता है, उसके सामने एक आधी औरत के शरीर में और आधी गाय के शरीर में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल होती है। आखिर तू मेरे जाल में फंस ही गया, अब मैं तुझे मार दूंगी, तुझे मार कर मुझे बहुत शांति मिलेगी। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे मार कर मैं खा जाऊंगी, जिसके बाद मेरी भूख मिटेगी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं तेरे खून की प्यासी हूँ। ये कहकर चुड़ैल रोहित को गौशाला में खाने लगती है, जिसके बाद उसका आधा शरीर खाती है और आधा वहीं छोड़ देती है और वहां से जाती है। ऐसे ही बस अगले दिन रात के समय गांव की एक औरत के सपने में आती है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे जाने दो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तभी अचानक से ममता की नींद खुल जाती है, उसके चेहरे पर बहुत पसीने होते हैं और वो घबराते हुए उठती है।
जिसके बाद वो अपने घर के बाहर हैंडपंप से मुंह धोती है और थोड़ा सा टहलने लगती है। टहलते टहलते बेबी रोहित की तरह गौशाला के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद उसका भी रोहित की तरह वैसा ही हाल होता है। ऐसे ही वो भयानक चुड़ैल गांव के कई लोगों को मार चुकी होती है। इस बात से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो गांव के लोगों को इस तरह मारता जा रहा है? अभी तक जितने भी लोग मरे हैं, उनका आधा ही शरीर मिला है, आधा तो पता नहीं कहां गायब हो गया है। रात को मुझे एक सपना आया था, जिसमें मैं मरा हुआ एक गौशाला में पड़ा था। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं चुपचाप दोबारा सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे पूरी रात एक ही सपना बार बार दिखता रहा। सूरज की बात सुनकर गांव के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उसके ही जैसे सपने गांव के और भी बाकी लोगों को आए होते हैं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब गांव के किसी भी आदमी को कोई भूतिया सपना आता तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते। एक दिन एक काशी नाम के आदमी को एक सपना आता है। सपने में एक आधी औरत और आधी गाय के शरीर में दिखने वाली चुड़ैल उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन काशी उससे बचकर भाग जाता है, जिसके बाद सपने में वो भयानक चुड़ैल अपनी गौशाला में बैठी हुई रोने लगती है और खुद से कहती है, आखिर मैं कब तक इस हालत में रहूंगी? मुझे मुक्ति चाहिए। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक मुझे ऐसे ही लोगों को मारते रहना होगा। ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। लेकिन काशी, मैं तुम्हारी शादी किसी से नहीं होने दूंगी। तुम्हें मार कर मैं तुमसे शादी करूंगी, जिसके बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। जैसे ही काशी इस सपने से जागता है, उसका पूरा चेहरा और उसके कपड़े पसीने से भीगे होते हैं और वो घबराते हुए खुद से कहता है, बाल बाल बच गया, कितना बुरा था ये सपना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि चुड़ैल आखिर मुझे क्यों मारना चाहती है और उसकी मेरी से क्या वास्ता है। ये सोचकर काशी पूरी रात सोता नहीं है, जिसके बाद सुबह होते ही वो अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है, जिसके बाद उसकी माँ मोहिनी बहुत डर जाती है और डर के मारे अपने बेटे काशी को एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, बाबा मेरी मदद करो। बाबा, मेरा बेटा काशी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है, जिसका आधा शरीर गाय का है और आधा शरीर एक औरत का। वह भयानक चुड़ैल जिसके भी सपने में आती है, वह अगले दिन मर जाता है। बाबा, कल रात मेरे बेटे काशी ने भी उसी चुड़ैल का सपना देखा था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे काशी की जिंदगी बचा लीजिए बाबा। मोहिनी की बात सुनकर तांत्रिक बाबा एक यज्ञ करते हैं, जिसके बाद वो अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं और काशी के अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से तांत्रिक बाबा की आंखें लाल हो जाती हैं और वो मोहिनी से कहते हैं, ये पिछले जन्म की बात है। ये चुड़ैल एक बहुत ही सुंदर नारी थी। पिछले जन्म में ये चुड़ैल तुम्हारे बेटे काशी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन काशी किसी और से प्रेम करता था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। इस बात से रागिनी बहुत परेशान थी। उसने काशी को पाने की वो हर एक कोशिश की, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक दिन वो एक अघोरी बाबा के पास गई। अघोरी बाबा बहुत ही लालची था और वो लोगों का इस्तेमाल केवल अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया करता था। उसने रागिनी का भी इसी तरह इस्तेमाल किया। रागिनी उसके पास गई और उससे कहने लगी, बाबा, मैं अपने प्यार को हासिल करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझसे करने के लिए कहोगे। रागिनी के अंदर काशी को प्राप्त करने के लिए एक पागलपन था, जिसके चलते वो अपनी सभी हदें पार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस अघोरी बाबा ने रागिनी को अपने जाल में फंसा लिया, जिसके बाद उसने कहा, तुम्हें एक गौशाला के अंदर तीन घेरे बनाने होंगे, जिसके बाद तुम्हें उन तीनों घेरों के अंदर एक ऐसी गाय की बलि चढ़ानी होगी जो 7 साल से अपने प्रेमी बैल के साथ रह रही होगी। उसकी बलि चढ़ाते ही 7 जन्मों के लिए तुम्हारा काशी तुम्हारा हो जाएगा। अघोरी की ये बात सुनकर रागिनी बहुत खुश हो जाती है और गांव के गौशाला के अंदर 3 घेरे बनाकर उसके अंदर एक गाय की बलि चढ़ा देती है। जैसे ही रागिनी उस गाय की बलि चढ़ाती है, वो गाय मर जाती है, जिसके बाद उसकी आत्मा एक भयानक गाय चुड़ैल बन जाती है, जिसके बाद भयानक गाय चुड़ैल रागिनी से कहती है,
तुमने ये सब बहुत ही बुरा किया है। मैं अपने बैल के साथ 7 साल से बहुत खुश थी, लेकिन तुमने मुझे उससे अलग कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब तक तुम काशी के 7 जन्मों तक उसकी बलि नहीं चढ़ा दोगी, तब तक तुम्हें तुम्हारा प्यार काशी कभी नसीब नहीं होगा। आज से तुम और मैं एक हो जाएंगी। जिस दिन तुम्हें मुक्ति मिलेगी, उसी दिन मुझे भी मुक्ति मिलेगी। ये कहकर गाय चुड़ैल के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद रागिनी का आधा शरीर औरत का और आधा शरीर गाय का बन जाता है, और वो एक भयानक गाय चुड़ैल बन जाती है, जिसके बाद उसने अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को मारना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसने 6 जन्मों में काशी को मार दिया है। ये उसका 7वां जन्म है। जैसे ही वो काशी को मार देगी, काशी एक भयानक भूत बन जाएगा, जिसके बाद वो चुड़ैल काशी से शादी करेगी और अपने शाप से मुक्त हो जाएगी। ये सब सुनकर मोहिनी अपने बेटे काशी के लिए जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसे गांव को बचाने के लिए अपने बेटे काशी की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। जैसे ही रात हो जाती है, तांत्रिक बाबा काशी को 3 घेरे के अंदर खड़ा कर देते हैं और वो अपने मन में एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहाँ अचानक से प्रकट हो जाती है। देख चुड़ैल, जैसा तू चाहती है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तो इसकी बलि चढ़ाकर अपने श्राप से मुक्त हो सकती है। अपने पिछले 6 जन्मों की तरह चुड़ैल इस बार भी रोते हुए अपने प्यार काशी की बलि चढ़ा देती है। उसके बलि चढ़ाते ही गाय चुड़ैल उसके शरीर से अलग हो जाती है। तुमने प्यार के पागलपन में मुझे तो मेरे प्यार से अलग कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। गाय चुड़ैल काशी को पहले की तरह जिंदा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी भी अपने इंसानी रूप में आ जाती है, जिसके बाद गाय चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काशी रागिनी की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन दोनों की शादी हो जाती है। शादी करके एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। चुड़ैल बसंती के छोले कुलचे। आशीष नगर में बसंती अपनी माँ रानी और अपने पिता रघुनंदन के साथ बाजार से घर की तरफ जा रही थी कि तभी रघुनंदन का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में रघुनंदन की मौत हो जाती है। एक तरफ तो रघुनंदन की मौत एक्सीडेंट में होती है, तो वहीं दूसरी तरफ चक्कर खाकर रानी बेहोश हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से रानी के सर में बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। ये देख बसंती दौड़ती हुई अपने माँ बाबा को हॉस्पिटल ले जाती है। एक तरफ तो बसंती की माँ रानी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बसंती अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ समय बाद बसंती अपनी माँ रानी को घर ले आती है। उसकी माँ कोमा में चली जाती है। अपनी माँ को कोमा में देख बसंती रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, ये मेरी किस्मत में तूने क्या लिख दिया। एक तरफ तो तुमने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी माँ यूं इस तरह बेड पर कोमे में पड़ी हुई है। अब मैं उनका इलाज कैसे करवाऊँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूँ। इतना कहकर बसंती फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी मंदिर के पास उसको एक गुल्लक दिखाई देता है, जिसके बाद वो उस गुल्लक के पास जाती है और उस गुल्लक को फोड़ देती है। उस गुल्लक को फोड़ने के बाद उसमें से कुछ पैसे निकलते हैं। ये देख बसंती सोचते हुए खुद से बोलती है, आखिर मैं इन पैसों से अपना कौन सा कारोबार शुरू करूं, जिससे मुझे ज्यादा पैसा भी मिल जाए और मेरी माँ भी ठीक हो जाए। वो खुद से ये बोल ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, छोले कुलचे ले लो गर्मा गर्म, छोले कुलचे माँ के हाथ के बने हुए स्वादिष्ट छोले कुलचे, एक बार खाओगे खाते ही रह जाओगे। उस छोले कुलचे वाले को देख बसंती सोचती है, क्यों ना मैं छोले कुलचे का ही कारोबार शुरू कर लूं, क्या पता मेरा बिजनेस अच्छे से चल जाए। इतना कहकर बसंती छोले कुलचे का सामान ले आती है और अगले दिन से वो छोले कुलचे बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान वहां पर जम जाती है और उसकी बिक्री काफी अच्छे से होने लगती है। उसी के सामने कांचा नाम के एक आदमी की भी दुकान थी। लोग कांचा की दुकान पर ना जाकर बसंती के ठेले पर जाया करते और उसी के छोले कुलचे खाया करते हैं। ये देख कांचा खुद से बोलता है, जब से ये यहाँ पर आई है तब से मेरे दुकान की तो बिक्री ही बंद हो गई है। इस बसंती को अच्छा सबक सिखाना ही होगा। अगर मैंने इसको कोई सबक नहीं सिखाया तो शायद ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि बसंती के पास एक भागा भागा छोटा बच्चा आता है और उससे बोलता है,
अरे बसंती दीदी, आपकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए आपको जल्दी मेरे साथ घर पर चलना होगा। अपनी माँ की तबीयत खराब सुनकर बसंती को कुछ समझ नहीं आता और वो रोने लगती है कि तभी उसकी नजर कांचा की दुकान पर पड़ती है और वो अपने ठेले की देखभाल के लिए कांचा को बोलती है। कांचा भैया, मेरी माँ की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और इसलिए मुझे अपनी माँ के पास जाना होगा। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे इस ठेले की देखभाल करोगे? हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे ठेले की देखभाल जरूर करूँगा। बसंती उसका धन्यवाद देकर वहाँ से भागते हुए चली जाती है और अब कांचा को उसका ठेला उजाड़ने का एक मौका मिल गया। उसके ठेले की तरफ देखता हुआ कांचा खुद से बोलता है, अब तो लाठी भी मेरे पास है और सांप भी मेरे पास है, इससे मैं सांप को भी मार दूंगा और मेरी लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे इस बसंती से अपना पीछा छुड़ाने के लिए इसके छोले कुलचे में कुछ ना कुछ मिलावट तो करनी ही पड़ेगी, जिससे कि ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इतना कहकर कांचा बसंती के छोले में जहर डाल देता है और जब बसंती वापस आती है और अपने छोले कुलचे को बेचती है तब उसके छोले कुलचे से कुछ लोग मर जाते हैं। ये सब जानने के बाद सभी गांव वाले बसंती के पास आते हैं और उसको खूब मारते हैं। अचानक ही एक औरत उसको इस कदर धक्का दे देती है कि बसंती का सर सीधा लोहे की रॉड में जा लगता है और इस तरह बसंती की मौत हो जाती है। उसको मरा हुआ लोग रोड पर ही छोड़कर चले जाते हैं कि तभी बसंती के शरीर में से बसंती की आत्मा बाहर आ जाती है और वो गुस्से में बोलती है, कांचा कांचा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, एक बार बस मेरी माँ ठीक हो जाए उसके बाद मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और अगली सुबह एक मामूली सी लड़की बनकर बसंती के ठेले को चलाने लगती है। देखते ही देखते अब वो बहुत सारा पैसा कमा लेती है, जिसके बाद वो चुड़ैल अपनी माँ का इलाज करवाती है। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और उन 3 महीनों में बसंती चुड़ैल अपनी माँ को ठीक करवा देती है और एक दिन जब बसंती मामूली इंसान बनकर छोले कुलचे बेच रही थी तब उसके सामने कांचा आता है और कांचा को देख बसंती अचानक ही चुड़ैल के रूप में आ जाती है और हवा में उड़ते हुए अपने हाथों को लंबे कर कांचा की गर्दन पकड़ते हुए उसको हवा में उड़ा देती है और वो चिल्लाकर कांचा से बोलती है, अब तो नहीं बचेगा, तूने जिस तरह मुझे मरवाया उससे भी बदतर मौत मैं तुझे दूंगी। कौन है तू और मुझे इस तरह क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल और कांचा की इस तरह भिड़ंत को देख वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उन दोनों की बहस को देख उस भीड़ में से एक आदमी बोलता है, आखिर तुम कौन हो और इस कांचा भैया को क्यों मार रही हो? ये तो तुम लोग इस कांचा से ही पूछो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अरे गांव वाले भैया, मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। तो इसको सच बताएगा या नहीं? बताता हूँ। गांव वालों, उस दिन जब तुम लोगों ने बसंती को मारा था तो उसके छोले में इसने मिलावट नहीं की थी, बल्कि मैंने ही इसके छोले में जहर मिला दिया था, क्योंकि ये मेरी दुकान को चलने नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने इसको जड़ से ही खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये वापस आ गई और अब ये मेरी जान के पीछे पड़ी है। उसकी ये बात सुनकर गाँव वालों को गुस्सा आता है और गाँव वाले कांचा से बोलते हैं, तुम जैसे कायर इंसान को तो मर ही जाना चाहिए जो अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करे। चुड़ैल बहन, तुम इसको खत्म कर दो। उसकी बात सुनकर चुड़ैल कांचा को एक भयानक मौत दे देती है और सभी लोगों से कहती है, मेरा बदला पूरा हो गया, मेरी माँ भी ठीक हो गई, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे जैसे इस गाँव में किसी के भी साथ गलत हुआ तो मैं इस बार फिर वापस आऊँगी और उनको अच्छा सबक सिखा कर जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बसंती के छोले कुलचे उसकी माँ रानी बेचना शुरू कर देती है। रात का समय था और इतनी रात के समय एक रोहित नाम का लड़का शहर से गांव की तरफ आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक खराब हो जाती है, जिसके बाद वह सुनसान रास्ते पर अकेला पैदल चलता हुआ आ रहा था। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। अरे वाह, मैं तो बहुत ही अच्छा गाने गा लेता हूँ, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। अपने आप से बातें करता हुआ रोहित रास्ते में चलता रहता है, तभी उसे रास्ते में एक प्यारी सी कविता नाम की लड़की साइकिल चलाते हुए जाती हुई दिखाई देती है।
जिसके बाद वह उस लड़की को आवाज लगाता है। अरे कहाँ जा रही हो, जरा सुनो तो, अरे मुझे लिफ्ट दे दो, मैं बहुत देर से पैदल चल रहा हूँ, अरे सुनो तो। तभी कविता अपनी साइकिल को रोक कर पीछे मुड़ती है और रोहित को देख कर उससे कहती है, अरे आप इतनी रात में सुनसान सड़क पर अकेले क्यों जा रहे हो, क्या आपको नहीं पता इस रास्ते पर एक चुड़ैल का साया है। रोहित कविता की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, चुड़ैल का साया, ये क्या कह रही हो, अरे ये मनगढ़ंत बातों से कुछ भी नहीं होता, तुम बेकार में ही मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, मैं डरने वालों में नहीं हूँ। तुम तो मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। अरे सुनो तो सही, दरअसल मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे पास साइकिल है तो हम दोनों क्यों ना तुम्हारी साइकिल पर आराम से गांव पहुंच जाएं। अगर तुम मुझे लिफ्ट दोगी तो मैं यहाँ की चुड़ैल से बच जाऊंगा। अच्छा ठीक है बैठ जाओ। कविता रोहित को लिफ्ट देती है और अपनी साइकिल के पीछे बिठा लेती है, जिसके बाद कविता साइकिल चलाने लगती है। रोहित कई बार कविता से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कविता उसकी बातों का जवाब नहीं देती। तभी उसे अजीब सी बदबू आने लगती है। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है। तभी कविता साइकिल को रोक लेती है और देखते ही देखते उसके सुंदर बाल घने लंबे और बदबूदार हो जाते हैं, जिसके बाद वह एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और रोहित से कहती है, क्यों रोहित बाबूजी, तुम्हें लिफ्ट चाहिए थी ना, अब देखो इस लिफ्ट का नतीजा तुम कैसे भुगतते हो। कविता को एक भयानक चुड़ैल में देखते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे अरे ये क्या, तुम तो सुंदर नारी थी फिर एकदम से चुड़ैल कैसे बन गई। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं अभी भूखी हूँ और तुझे खाकर पहले मैं अपने पेट की गुड़गुड़ को मिटाऊंगी। अरे चुड़ैल ये क्या कर रही है, तू मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मुझे मार रही है। नहीं छोड़ूंगी, इस रास्ते से जो भी गुजरेगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल रोहित को मार कर खा जाती है और अपनी साइकिल से वापस उसी रास्ते से गुजरती हुई कहीं गायब हो जाती है। अगले दिन उस रास्ते पर गांव के लोग लकड़ियां काट कर ले जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें रोहित की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वह सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहां की पूरी छानबीन करती है लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता, जिसके बाद गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे गंगा दीदी देखो क्या हालत कर दी है बेचारे की मार मार कर, मुझे तो इसकी शक्ल भी पहचानने में नहीं आ रही, जिसने भी इसको मारा है उसने अपनी दुश्मनी निकाली है क्योंकि दुश्मनी निकालने वाला ही इतनी बेरहमी से मार सकता है। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, पुलिस को अपना काम करना दीजिए। इंस्पेक्टर वहां खड़े गांव के हर एक आदमी को वहां से भगा देता है, जिसके बाद छानबीन पूरी होने पर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और रात होने लगती है, जिसके बाद रात को फिर से गांव का एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, जिसके बाद एक सुंदर सी लड़की जो कि चुड़ैल होती है और वह उसे गांव के लिए लिफ्ट देती है, उसके बाद वह उसे मार देती है। अगले दिन फिर गांव के एक आदमी की लाश उस रास्ते पर पड़ी हुई दिखाई पड़ती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहती है, कोई इंसान किसी को इतनी बेरहमी से नहीं मारता, और दूसरी बात अगर किसी ने इन्हें मारा होता तो अभी तक उसका कोई ना कोई सबूत जरूर मिलता। मुझे तो लगता है कि ये सब किसी चुड़ैल का काम है जो हमारे गांव के लोगों को मार मार कर खा रही हो। अरे अम्मा आप कैसे कह सकती हो कि ये काम किसी चुड़ैल का है। बेटा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, कई सालों का तजुर्बा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया हो। चुड़ैल का साया, हे भगवान, ये चुड़ैल हमारे गांव में क्या कर रही है और ये चुड़ैल आई कहां से। अब इस बात का जवाब तो हमें तांत्रिक बाबा के पास ही मिल सकता है। बूढ़ी दादी तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए उनकी कुटिया पर जाती हैं, जिसके बाद वह तांत्रिक बाबा को गांव में हुई सभी घटना के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा बूढ़ी दादी के साथ उनके गांव आ जाते हैं और एक मंत्र का जाप करते हैं।
ओम नमो 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 ओम नमो 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 शिवाय ओम नमो 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 शिवाय। ऐसे ही तांत्रिक बाबा अपने मन में मंत्रों का जाप करते रहते हैं, जिसके बाद सभी मंत्र चुड़ैल के कानों तक पहुंच जाते हैं और वह अपनी साइकिल चलाते हुए गांव में तांत्रिक के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल से पूछते हैं, कौन है तू चुड़ैल और इस गाँव में क्या कर रही है? आखिर तू इन गाँव वालों को क्यों मार रही है? क्यों बताऊं मैं तुझे? देख चुड़ैल, जल्दी से सब कुछ बता दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन वह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद तांत्रिक को गुस्सा आता है और वह अपने मंत्रों से चुड़ैल को और भी ज्यादा कमजोर कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, तू ऐसे नहीं मानेगा ना, चल अब मैं तुझे अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। कुछ समय पहले इस गाँव में मैं अपने पिता के साथ रहा करती थी। मैंने स्कूल की 10वीं कक्षा पास की थी, जिसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल ला कर दी थी, जिसे मैं जब मन करता चला लिया करती थी। एक दिन रात के समय मेरे पिता सो गए थे और मेरा साइकिल चलाने का बहुत मन था, इसलिए मैं साइकिल चलाते चलाते शहर जाने वाले रास्ते तक पहुंच गई। मुझे नहीं पता था कि उस मनोज दिन मेरा आखिरी दिन होगा साइकिल चलाने का। रास्ते में मुझे 4 गुंडे मिल गए, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी साइकिल तोड़ी और मुझे जान से मार दिया, जिसके बाद वो चारों वहाँ से भाग गए। लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बनकर यहाँ वहाँ भटकने लगी, जिसके बाद एक दिन मैंने उन चारों को ढूंढा और उन्हें जान से मार दिया। तब से मैं ऐसे गंदे लोगों से बदला लेने के लिए इस सड़क पर घूमती हूँ और जो भी रात के समय मुझे मिलता मैं उसे मार देती हूँ। देख बेटी, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तूने जो भी सहा है उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी और बेवजह तुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन बेटी तूने अपने बदले को पूरा कर लिया है और उन चारों को भी मार दिया है, लेकिन इन मासूम गांव वालों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो इन्हें छोड़ दे और यहाँ से चली जा, ताकि तुझे इस दुनिया से मुक्ति मिले और तू एक नया जन्म लेकर अपनी जिंदगी संवारे। तांत्रिक की ये बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और तांत्रिक से कहती है, सही कहा तुमने, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है और अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ताकि मैं दूसरा जन्म लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। ये कहकर चुड़ैल अपनी साइकिल चलाती है और वहाँ से बहुत दूर चली जाती है, जिसके बाद गाँव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और गाँव वाले खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।